इज़ व्हाट्सएप दुनिया डमावर शेयर। तो ये वीडियो आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी मेरे से, और मेरे को इंस्टाग्राम पे बहुत सारे DM आए थे कि प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन योर व्लॉगिंग सेटअप। तो ये रही मेरी व्लॉगिंग सेटअप पे वीडियो। तो सबसे पहली चीज़, द मेन हीरो ऑफ माई व्लॉग्स इज़ माई HJ कैम एंड माई हेलमेट। सो दिस इज़ द स्टीलबर्ड एयर SPA-1 एंड दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माई डैड। आई गेस अक्टूबर 2017 में उन्होंने मेरे को गिफ्ट करा था, और इसके पीछे ये मेरा DRM का लोगो है जो आपने मेरे जूफी के आगे भी देखा होगा, और ये मेरा दुनराइड महर्ष का YouTube चैनल का नाम, और ये मेरा SJCAM SJ4000 Wi-Fi है। दिस इज़ द बीच जिससे मैं अपनी सारी ब्लॉग्स रिकॉर्ड करता हूँ। ये भी 1080p एट 60fps तक रिकॉर्ड 1080p एट 30fps तक रिकॉर्ड करता है, बट मेरा जो PC है वो इतना सपोर्ट नहीं करता है। मेरा जो ये DSLR है ये भी 1080p एट 60fps पे रिकॉर्ड कर सकता है, बट जो मेरा PC है वो इतना सपोर्ट नहीं करता है। वो सिर्फ 720p एट 60fps पे भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, बट हाँ कर देता है, मतलब प्रॉपरली कर देता है, बिना वीडियो में कोई लैग नहीं होता, सब एडिटिंग हो जाती है ढंग से, टाइम लेता है, बट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो दिस इज़ माई कैमरा। हाँ, और एक चीज़ और, मेरे जो ये कैमरा है SJCAM, इसमें एक्सटर्नल माइक के लिए सपोर्ट नहीं था जब मैंने कैमरा लिया था, तो इसमें कोई भी एक्सटर्नल माइक के लिए सपोर्ट नहीं था। इसके यहाँ पे एक इंटरनल माइक होता है, बट वो इंटरनल माइक में क्या है, वो विंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा कैच करता है। और मेरी आपने दूसरी या तीसरी वीडियो थी मेरी कॉर्नर रिकॉन माई TV जुपिटर, उसमें देखा होगा आपने बहुत ज़्यादा विंड नॉइज़ थी, क्योंकि उस टाइम मेरे पे सेटअप नहीं था। तो क्या हुआ, मैंने YouTube वीडियोस देखी, और मैंने एक वीडियो देखी, उसमें मतलब SJCAM की ऑफिशियल साइट पे ही था कि SJ4000 में आप एक एक्सटर्नल माइक खुद इंस्टॉल कर सकते हो। तो आई एम नॉट दैट गुड विद इलेक्ट्रॉनिक्स, बट आई एम अ हॉबी इलेक्ट्रॉनिस्ट। तो मेरे को पता है किस चीज़ को कहाँ वायर करना है, किस चीज़ को कैसे सोल्डर करना है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने इसके साइड में मैंने सोल्डिंग आयरन से यहाँ पे एक छेद करा है, और उसके पीछे मेरा एक हेडफोन जैक है, 3.5mm का हेडफोन जैक है, आपको मार्केट में मिल जाएगा। उसमें मैंने क्या करा है, बस मैंने जो उसका इंटरनल माइक्रोफोन है SJCAM का, उसको री सोल्डर करके मैंने वहाँ पे दो वायर सोल्डर करके अपने ऑडियो इनपुट जैक से सोल्डर कर दिया, और अपना ऑडियो इनपुट जैक यहाँ पे फेविक्विक की वजह से थोड़ा सा माउंट कर दिया। मैं तो उस टाइम हॉट ग्लू नहीं था, नहीं तो हॉट ग्लू भी यूज़ कर सकता था। ये मेरा 3.5mm ऑडियो जैक है, और ये लगता है सीधा इसमें आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के। और मेरा माइक मैंने यहाँ पे लगाया है ताकि ज़्यादा विंड नॉइज़ कैच ना हो। ये ब्लैक सी चीज़ आपको दिख ही रही होगी, मेरा एक्सटर्नल माइक्रोफोन है। ये मैंने चीक पैड के बीच में लगाया, क्योंकि ये एक बेस्ट एरिया है जहाँ पे आपकी आवाज़ भी अच्छे से आती है और विंड नॉइज़ भी नहीं आती ज़्यादा। बाकी हेलमेट में मैंने पहले यहाँ पे माउंट करने की कोशिश की थी, बट यहाँ पे विंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आती है, तो प्रॉब्लम होती है। स्टीलबर्ड एयर, इसमें यहाँ पे एक एयर वेंट है, ताकि गर्मियों में जब आप मतलब ऊपर क्या होता है, हेड में बहुत ज़्यादा हेलमेट पहनने की वजह से इची हो जाता है, स्कैल्प पर बहुत स्वेट आता है। बट अगर आपको फिर आप लॉन्ग राइड पर आप हेलमेट नहीं उतार सकते राइड करते हुए, तो आपको ये एयर वेंट है, आप इसको खोलेंगे तो यहाँ से हवा जाके पीछे एग्जॉस्ट से यहाँ से बाहर आती है, और बेसिकली कूल्स योर स्कैल्प। और जब कभी मेरे DSLR की बैटरी ख़त्म हो जाती है, या कभी मैं ऐसे जगह पे फंस जाता हूँ जहाँ मेरे कोई चार्ज करने के लिए नहीं मिलता, तो आई ब्लॉग, मैं ब्लॉग करता हूँ बट आई डोंट अपलोड इट, क्योंकि मेरे को अभी नहीं लगता कि मेरे ब्लॉग्स अभी इतने अच्छे होते हैं कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। और जब तक मेरे को वो खुद ब्लॉग्स अच्छे नहीं लगेंगे, तो आप लोगों को कैसे अच्छे लगेंगे, इसलिए मैं उनको अपलोड ही नहीं करता, बस मैं उनको सिर्फ शूट करता हूँ। जिस दिन मैं व्लॉग्स अपलोड करने में परफेक्ट हो गया, या मेरे को लगेगा कि हाँ मैं व्लॉग्स मतलब बना सकता हूँ बिना अटके, बिना किसी प्रॉब्लम के, आप लोगों को बिना बोर करे, तो उस दिन मैं व्लॉग्स अपलोड करना शुरू कर दूँगा। तब तक के लिए मोटो व्लॉग्स होते हैं, वरना आई विल ट्राई, अपनी बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी ये मेरा सोनी साइबर शॉट है, ये पापा ने कैमरा लिया था 2009-10 में, उस टाइम पे सबसे बेस्ट डिजिटल कैमरा था अपनी पूरी सेगमेंट में। उसके बाद 2017 मार्च में फिर हमने ये DSLR खरीदा था, क्योंकि ये भी बहुत पुराना सा हो गया था और इसमें फ़ोटोज़ भी उतनी अच्छी नहीं आती थी, तो पापा ने ये DSLR खरीदा था, इट्स अ निकॉन D53। तो मैं अभी आपको DSLR दिखाता हूँ। यप, ये मेरी लाइट है, और हाँ ये मैंने खुद बनाई है।
इट्स बेसिकली पीछे एक एलईडी बल्ब है, ये आगे मेरा सॉफ्ट लाइट के लिए मैंने पेपर लगाया था जो कि अब पूरा ड्राई हो चुका है हीट से और कर 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 रहा है। सो दिस इज़ माई निकॉन डी 5300। सो दिस इज़ द कैमरा विच माई डैड बॉट इन 2016, उन्होंने ख़रीदा और मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने व्लॉगिंग के लिए। और ये है, और इसमें एक रिमूवेबल ग्रिप है, इंस्टॉल करी थी ताकि मतलब अच्छी ग्रिप के लिए। बाकी ये मेरा ट्राईपॉड है, ट्राईपॉड भी मैं आपको बाद में कभी अच्छे से दिखाऊंगा। और सो दिस वाज द वीडियो फ्रॉम माय डिजिटल कैमरा। नहीं, 720p बिल्कुल नहीं थी, इट वाज आई गेस 640। आई विल राइट इट डाउन हियर। तो इट इजंट दैट गुड, बट या इट वर्क्स और वीडियो रिकॉर्ड हो ही जाती है, इतनी डिटेल नहीं आती, बट हाँ वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है। आई हैव लेनोवो A6000 Plus। सो दिस इज़ द फोन विच यू हैव सीन इन माई वीडियोज। इट्स 2 year old एंड इट्स वर्किंग एब्सोल्यूटली फाइन। मेरा निकॉन D5300 है, सारे स्पेक्स यहाँ पे आ जाएंगे। और अब बात करते हैं कि किस चीज़ की वजह से मेरी जो व्लॉग्स की क्वालिटी है वो 720p पे अटकी हुई है और वो 1080p पे तक नहीं जा पा रही है। सो द मेन कल्प्रिट फॉर दैट थिंग इज़ दिस। और ये 2006 या 7 में है, तब से पहले इसमें एड 1 GB ऑफ रैम और वेगस प्रो तो चलता भी नहीं था क्योंकि 64-bit विंडोज़ नहीं थी। तो अब जब से मतलब अभी मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो मैंने थोड़ा सा अपग्रेड करा है। इसमें E5300 प्रोसेसर है, इंटेल का E5300 प्रोसेसर जो है वो इंटेल की लेगेसी लिस्ट में चला गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा पुराने प्रोसेसर की लिस्ट में चला गया है। वो E5300 है कि E5800 है, इस दोनों से कोई है। और इसमें 4 GB रैम है जो कि चलती है बहुत फास्ट 800 MHz पे। यस 800 MHz, मेरे को पता है 800 MHz बहुत कम है, बट हाँ यार 720p उसमें वीडियो एडिट हो जाती है। और देखते हैं, अभी YouTube भी पैसा दे नहीं रहा है, कोई कंपनी स्पॉन्सर करेगी नहीं, और देखते हैं अभी कितनी जल्दी इसको अपग्रेड कर पाता हूँ। मेरे कंप्यूटर में कोई भी ग्राफिक कार्ड नहीं है, नो ग्राफिक कार्ड्स। इसी की वजह से मैं OBS नहीं यूज़ कर पाता हूँ, इसी की वजह से मैं Adobe Premiere Pro यूज़ नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मेरे को सोनी वेगस प्रो से एडिट करना पड़ता है। बट हाँ, सोनी वेगस प्रो भी ख़राब नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सोनी वेगस प्रो ख़राब है। करूँगा माइक के लिए और अपना PC अपग्रेड करने की कोशिश करूँगा ताकि मैं 1080p या 60fps पे शूट मतलब एडिट कर सकूँ वीडियोज़। शूट तो कर ही सकता हूँ बट शूट करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब मैं इस पर एडिट करने बैठता हूँ तो ये लगभग 5 मिनट की वीडियो एडिट करने में ये 2 से 3 घंटे लगाते हैं। 3 घंटे भी नहीं यार, 6-7 घंटे लग जाते हैं, आराम से 6-7 घंटे लगते हैं। और 6-7 घंटे तक PC कब किस टाइम रन करूँगा मैं? अभी भी रात के 1 बज रहे हैं, अभी मैं बैठूँगा, इस वाली वीडियो एडिट करनी है फिर आएगा कल, और अगर कल एडिट नहीं होगी तो परसों मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा। तो हाँ, बस यही है मेरा सेटअप। तो और जूफ़ी तो आपने देखी है, जूफ़ी तो हीरो है, हीरो नहीं, जूफ़ी तो हीरोइन है एक्चुअली। मेरे पूरे चैनल की हीरोइन है जूफ़ी, जिन लोगों को नहीं पता मेरी जुपिटर का नाम है। सो इट्स रियली क्लोज टू माई हार्ट। तो यार यही मेरा पूरा सेटअप है, और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे जिस दिन मेरे को खुद लगेगा कि मेरे व्लॉग्स अच्छे बनने शुरू हो गए मैं उस दिन व्लॉग्स अपलोड करना शुरू कर दूँगा। तो और 21 अप्रैल तक थोड़ी सी वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि 21 अप्रैल तक मेरी जूफ़ी पे कुछ काम चल रहा है। वो जिस दिन मेरी गाड़ी रेडी हो जाएगी उस दिन मैं आपको बता दूँगा। उसके बाद शायद मैं एक बहुत लॉन्ग राइड प्लान कर रहा हूँ, अभी ऐसा मेरा कोई कमिटमेंट नहीं है, बट हाँ लॉन्ग राइड हो सकती है, कुछ होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है चैनल पे। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल हिट करो, जितने अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो करो। और तब तक के लिए पीस, राइड सेफ, प्लीज़ ऑलवेज वेयर अ प्रॉपर हेलमेट।